भाइयों बहनों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2022 है और ये गांव है ठीकरदा, और आज ठीकरदा के अंदर घास भेरू की सवारी निकल रही है। तो मैं सबसे पहले इन सब भाइयों को दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा पूरा गांव के अंदर मेले टाइप का माहौल बना हुआ है। और मैं आप लोगों को ये जादुई करतब दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा ट्रैक्टर है और इस पूरे का पूरे ट्रैक्टर को इन लोगों ने जादुई करतब से 4 अंडों के ऊपर टिका रखा है। तो ये है पहला अंडा और ये पीछे के पहिए में है दूसरा अंडा। तो देखिए भाइयों, इतने बड़े ट्रैक्टर को इन भाइयों ने जादुई 4 अंडों के ऊपर टिका रखा है। और ये गोवर्धन जी की पूजा का, हमारी बहनों ने पूजा की होगी तो ये गोवर्धन जी का बना रहा है। तो ये मैं अब मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी से ये मैं इन सब भाइयों को दिखा रहा हूँ और इन सब भाइयों को नमस्कार करूँगा और एक दो भाइयों से मैं बात भी करूँगा कि ये झांकी बनाई है, इसमें क्या कलाकृति है। हालांकि आपको बताना नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, क्या नाम है? शिवराज प्रजापति। ये कितनी देर लगती बनाने में? भाइयों बहनों, ठीकरदा गांव के अंदर आज घास फेरू की सवारी निकल रही है। और ये हमारे जो भाई हैं, ये सब भाई देखिए, मैं मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से मैं इन सब भाइयों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, इन भाइयों ने ये बनाया है और ये बच्चे बहुत खुश हैं। तो मैं आप लोगों को मेरे YouTube चैनल से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज गांव ठीकरदा के अंदर घास भेरू की सवारी निकल रही है। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये सब। अब एक बार डांस दिखा दो, डांस बढ़िया वाला डांस दिखा दो। शाबाश शाबाश। भाइयों बहनों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2022 है और जिला है हमारा बूंदी, और बूंदी जिले का हमारा ये गांव है ठीकरदा। और आज इस ठीकरदा के अंदर घास भेरू की सवारी निकल रही है। तो इस घास भेरू की सवारी के महोत्सव के अंदर हमारे ये सब भाई आए हुए हैं। तो मैं इन सब भाइयों को मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से दिखा रहा हूँ। और देखिए भाइयों, यहाँ ठीकरदा गांव के अंदर आज इन सभी भाइयों ने यहाँ जादुई करतब की ये झांकियाँ बनाई है। तो मैं ये झांकी भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये शिवजी की मूर्ति में से पानी की धार निकल रही है और ये धार मैं आपको दिखा रहा हूँ। और देखिए भाइयों, ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरा जजमेंट करोगे तो जजमेंट से आपको पता नहीं चलेगा कि ये धार कहाँ से आ रही है। ये हमारे इस क्षेत्र की, ये हमारे ठीकरदा की, ये हमारे बड़ोदिया की, ये हमारे आसपास की क्षेत्र की विशेषता है कि घास भेरू की सवारी के दिन ये यहाँ पर हमारे भाई इस तरह की करतब की झांकियाँ बनाते हैं। और ये देखिए आप, ये सब भाई मौजूद हैं। मैं ये ऊपर वाली झांकी भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। तो ये गांव ठीकरदा है, आज घास भेरू महोत्सव है। सभी भाइयों का धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच। भाइयों बहनों नमस्कार। आज 26 अक्टूबर 2022 है और ये है हमारा बूंदी जिला, और बूंदी जिले का गांव है ठीकरदा। तो ठीकरदा के अंदर ये जो घास भेरू की सवारी महोत्सव है आज, तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो में आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये कांच की बोतलें हैं और दोनों कांच की बोतलों के ऊपर कितना भारी वजन का पत्थर रखा हुआ है, लेकिन कांच की बोतलें टूटी नहीं है। ये देखिए, हमारी ये शिव जी की मूर्ति है, उस मूर्ति के अंदर से पानी निकल रहा है और कोई पता नहीं है कि वहाँ पानी की धारा कहाँ से जा रही है। एक ये वीडियो है, तो एक इसके अंदर ये कांच की 4 पट्टियाँ हैं, तो 2 पट्टियाँ आड़ी है, 2 पट्टियाँ खड़ी है, तो इनके ऊपर ये पूरी की पूरी मोटरसाइकिल खड़ी की गई है। और ये गांव ठीकरदा है, आज 26 अक्टूबर है, मेरे YouTube चैनल का नाम राजबाबू बूंदी है। तो राजबाबू बूंदी के अंदर मैं ठीकरदा के अंदर इस प्रोग्राम को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। भाइयों बहनों, हमारी YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की टीम आज गांव ठीकरदा में आई हुई है और आज 26 अक्टूबर है और इस 26 अक्टूबर 2022 को ग्राम ठीकरदा के अंदर आज घास भेरू महोत्सव है। तो ये यहां पर झांकियां बनाई गई है जादुई करतब की,
तो मैंने 4-5 झांकियों का ले लिया है और मुझे इस झांकी ने भी बड़ा आकर्षित किया है, तो मैं इसका भी ले रहा हूँ। देखिए, ये इन्होंने एक बाउंड्री कर रखी है और इस बाउंड्री के ऊपर ये इन्होंने एक पत्थर की पूरी शिला लग रखी है और इस शिला के ऊपर ये शिव जी की मूर्ति है। तो शिव जी की मूर्ति में से ये पानी की धारा निकल रही है, मैं आपको ये धारा भी दिखा रहा हूँ। तो लाख कोशिश करने के बाद भी आप ये जजमेंट नहीं ले सकते कि ये पानी की धारा कहाँ से आ रही है, और यही इनकी कलाकृति है। मैं ग्राम ठीकरदा के इन कलाकारों को मेरे YouTube चैनल राजबाबू बूंदी की तरफ से नमस्कार करता हूँ और इन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत बेहतरीन चीज़ बनाई है। ये देखिए, मैं ये पूरी धारा दिखा रहा हूँ और जजमेंट ही नहीं हो रहा है कि ये कहाँ से आ रही है। बीच में पत्थर की लंबी शिला है और ऊपर से ये शिव जी के माथे में से, शिव जी के मस्तक में से ये पानी की धारा निकल रही है। तो भाइयों, ग्राम ठीकरदा के सभी कलाकारों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। भाइयों बहनों नमस्कार, ये हमारा बूंदी जिला है और इस बूंदी जिले के अंदर ये गांव है ठीकरदा, और आज 26 अक्टूबर 2022 है। तो इस 26 अक्टूबर 2022 को हमारे इस ठीकरदा गांव के अंदर आज घास भेरू की सवारी निकल रही है, और इस घास भेरू की सवारी के अंदर हमारे ये सब भाई हैं जो इस घास भेरू की सवारी के अंदर अपना धर्म निभा रहे हैं। स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट स्टार्ट।